रुकिए मिस्टर भंडारी, अब लगता है ये लोग सिर्फ कानून की भाषा ही समझेंगे। देखिए ये चाल अब बिक चुकी है। इस जमीन पर अब ये शॉपिंग मॉल बनाए, होटल बनाए, इनकी मर्जी है। और आप लोगों को कल सुबह तक, जी हाँ कल सुबह तक ये चौल खाली करने की मोहलत दी जाती है। और अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। रुकिए मिस्टर भंडारी, अब लगता है ये लोग सिर्फ कानून की भाषा ही समझेंगे। ये कोर्ट ऑर्डर, जाके आयुष मल्होत्रा को वापस दे दो, जाके कह दो आयुष मल्होत्रा से हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आयुष मल्होत्रा ने 101 मंदिर बनवाए, भगवान की मूर्ति की स्थापना की, और आयुष मल्होत्रा हम गरीबों के सर से छत छीनने तक का परहेज नहीं करते। इस चौल में 101 घर है और वो हर घर हमारे लिए मंदिर जैसा है। हम अपना मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाओ जाकर कह दो आयु साहब से। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। घर छिन जाने का दुख क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझेगा। गरीबों की बहुत बुरी आदत होती है। अपनी हर मुसीबत और परेशानी का जिम्मेदार भगवान को ठहरा देते, जबकि उनकी मुसीबतों का जिम्मेदार कोई और ही होता। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों को भी आपकी करनी का ही फल मिला, ऐसा कड़वा फल जो अब ना निगलते बन रहा है और ना ही उगल। नहीं अब मैं यहाँ पर कुछ भी सुनने सुनाने नहीं आई, अफसोस जताने आई हूँ कि एक बार फिर तुम्हारा परिवार घर से बेघर होने जा रहा है। बाय द वे, आप लोगों को बता दूं कि आयुष मल्होत्रा से ये चौल खरीदने वाले का नाम निहारिका रूद राय सर। क्या बहुत बड़ा शौक लग गया आप सबको? आप लोगों के यही हैरान परेशान चेहरे ही तो देखने आई हूं मैं यहाँ पर। क्यों बेटे, अब क्या इरादा? कहाँ लेकर जाओगे अपने परिवार को? बूढ़े बीमार ससुर जी, बेचारी तिथि मामी, बेरोजगार पति, अपाहिज जेठ, दो छोटे छोटे बच्चे, एक तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप तो कभी बारिश तो कभी तूफान।